गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 13 ऑफ ईवीएस. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन व्हाट आर मैनर्स एंड व्हाट आर गुड मैनर्स. तो आपने कुछ गुड मैनर्स पढ़े थे, लाइक थैंक यू बोलना, वेलकम बोलना, सॉरी बोलना, प्लीज़ बोलना, ये सब क्या है, अच्छी आदतें. नाउ टुडे वी विल सी हेल्दी हैबिट्स. आज हम क्या देखेंगे कि आपको रहने अच्छा हेल्दी यानी स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो आज हम देखेंगे. हैबिट इज द यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. हैबिट क्या होती है? हैबिट मतलब आदत. हैबिट मतलब आदत. यू शुड इंक्लूड सर्टेन हैबिट्स इन योर लाइफ टू बी हेल्दी. सम ऑफ देम आर, तो आपको क्या करना चाहिए आपकी अगर आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी और फिट. जैसे ये देखो, ये क्या है, एकदम हेल्दी स्टूडेंट है. अगर आपको ऐसा रहना है तो आपको कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको डेली लाइफ में यूज़ करनी पड़ेगी. जैसे टेक अ बाथ एवरी डे, हमें रोज़ बाथ लेना चाहिए. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में दो बार हमारे टीथ ब्रश करने चाहिए ताकि कैविटीज दूर रहे, ताकि हमारी टीथ खराब ना हो. च्यू योर फूड प्रॉपरली, हमें अपना हमारा फूड प्रॉपरली चबा कर खाना चाहिए. गो टू बेड अर्ली एट नाइट, हमें रात को देर तक नहीं जगना चाहिए, हमें जल्दी सो जाना चाहिए. गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और सुबह हमें जल्दी उठ जाना चाहिए. नाउ We will do one activity. Time to answer. Tick if it is healthy habit and cross if it is bad habit. तो आपको अब देखना है कि कौन सी healthy habit है और कौन सी bad habit है. Wearing clean clothes, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए. ये अच्छी आदत है अब गंदी, ये अच्छी आदत है, तो यहाँ पर टिक आ जाएगा. Brushing teeth twice daily, हमें हमारे teeth दिन में दो बार ब्रश करने चाहिए. ये गुड हैबिट है, हेल्दी हैबिट है, तो यहाँ पर टिक आएगा. ईटिंग विदाउट च्यूइंग प्रॉपरली, तो हमें हमारा खाना बिना चबाए खाना चाहिए, ये गलत बात है, तो यहाँ पर क्रॉस आएगा. गेटिंग अ प्लेट इन द मॉर्निंग, हमें सुबह देर से उठना चाहिए, नहीं, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्रॉस आएगा. ओके, थैंक यू.